हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सबसे बेसिक पार्ट है। और यदि मैं CBT 2 की बात करूँ तो ये प्रॉपर्टीज़ आपके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में काम आएगी, मैकेनिक्स में काम आएगी। और मटेरियल साइंस का सबसे पहला चैप्टर है, आप सिलेबस देखना, यही प्रॉपर्टीज़ है। पहला चैप्टर का नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए सबसे बेस्ट साबित होगा। इस वीडियो को आप कंप्लीट ज़रूर देखना। इसके बाद में मैं एक मटेरियल साइंस का वीडियो लेके आऊँगा जिसमें इन्हीं प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो यदि ये वीडियो आपने कंप्लीट देख लिया तो अगला वीडियो के अंदर जो टेस्ट होगा वो आपके लिए सबसे इजी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, मिलाइबिलिटी, हार्डनेस, टफनेस, ब्रिटलनेस, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, फटीग, क्रीप रेजिस्टेंस, स्ट्रेंथ, हार्डनेस, स्टिफनेस और आइसोट्रॉपी, एन आइसोट्रॉपी और होमोजीनियस। ये सारी प्रॉपर्टी जो हैं ये आपके सिलेबस में हैं और इसी वीडियो में हम इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। इन प्रॉपर्टीज़ के बाद में लास्ट में मैं आपको बताऊंगा टेंसाइल टेस्ट ऑफ माइल्ड स्टील। तो थोड़ी बहुत जानकारी मैं उसके बारे में भी दूंगा क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें काम आएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इलास्टिसिटी के बारे में। इलास्टिसिटी क्या होती है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच मटेरियल रीगेन इट्स ओरिजिनल फॉर्म आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड। यानी कि जब हम लोड को रिमूव कर लेंगे तो मटेरियल अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, तो उसे हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। लेकिन उस लिमिट के बाद में अपन और लोड लगाएंगे तब उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा और उसी परमानेंट डिफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी क्या होती है? एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अंडरगो परमानेंट डिफॉर्मेशन इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड। यानी एक लिमिट के बाद में हम और लोड लगाएंगे तो मटेरियल परमानेंट डिफॉर्म हो जाएगा और अपनी ओरिजिनल पोजीशन को वापस नहीं रीगेन करेगा, तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम प्लास्टिसिटी। फिर बात करते हैं हम डक्टिलिटी के बारे में। डक्टिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से समझना है। इट इज़ द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ए मटेरियल कैन अंडरगो टेंसाइल फोर्स विदाउट फ्रैक्चर। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू बी प्लास्टिसिटी डिफॉर्म्ड इनटू वायर विदाउट फ्रैक्चर। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी मेटल्स होती है, जैसे आपने देखा होगा जैसे कॉपर के वायर आते हैं, सिल्वर के वायर आते हैं, तो जो वायर आते हैं मेटल से हम वायर बनाते हैं वो प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी की वजह से हम किसी भी मेटल का या फिर किसी भी मटेरियल का हम वायर बना पाते हैं और उसी को हम डक्टिलिटी बोलते हैं। यहाँ पर बात करते हैं सेम प्लास्टिसिटी, अभी अपन ने पढ़ा था कि एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अंडरगो परमानेंट डिफॉर्मेशन इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड, तो ये भी सेम ही वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे टेंसाइल फोर्स लगेगा। प्लास्टिसिटी यदि हम कंप्रेसिव फोर्स लगा के भी डिफॉर्म कर सकते हैं, शियर फोर्स लगा के भी डिफॉर्म कर सकते हैं और टेंसाइल फोर्स लगा के भी डिफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन डक्टिलिटी में हम टेंसाइल फोर्स लगाएंगे। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको खींच के अपन ने पतला कर लिया और फिर हम टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं तो वायर बन जाएगा, तो इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए, यानी वायर बन रहा है लेकिन टूट नहीं रहा है, टूट जाएगा तो डक्टिलिटी उसको बोल देंगे, डक्टिलिटी नहीं बोलेंगे, टूटता नहीं है इसीलिए ये प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी। फिर हम बात करते हैं ब्रिटलनेस की, विच कैन नॉट अफोर्ड इवन वेरी स्मॉल डिफॉर्मेशन। ये जो डक्टिलिटी है इसका जो रिवर्स होता है वो होता है ब्रिटलनेस। इट फेल आफ्टर इलास्टिक लिमिट, यानी कि थोड़ा बहुत भी डिफॉर्मेशन नहीं आता है इसमें, मटेरियल सीधा फेल हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कास्ट आयरन या फिर ग्लास, ये अच्छा एग्जांपल है। ग्लास जैसे ही फोर्स लगाते हैं ये टूट जाता है, इसमें थोड़ा बहुत भी मुड़ नहीं जाता है ये, यानी इसमें डिफॉर्मेशन नहीं आता है, सीधा फ्रैक्चर आता है। कंक्रीट, ये सब एग्जांपल हैं ब्रिटलनेस के। फिर बात करते हैं हम फटीग के बारे में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको ध्यान से समझना है। बिहेवियर ऑफ मटेरियल अंडर फ्लक्चुएट लोड और साइक्लिक लोड इज कॉल्ड फटीग। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसको हम रोटेट करवाएंगे, तो रोटेट करवाएंगे तो इधर अपन लोड लगा देते हैं, ठीक है, ऊपर लोड लगा देते हैं। एक बार इसमें क्या होगा, इधर जो है कंप्रेसिव फोर्स आएगा, इधर टेंसाइल आएगा। ये हाफ रोटेट होने के बाद में यहाँ जो टेंशन था ये बॉडी यहाँ पहुँच जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे कंप्रेसिव हो जाएगा और यहाँ टेंसाइल हो जाएगा, यानी कि चेंजेस हो रहा है। एक बार जहाँ टेंसाइल है फिर कंप्रेसिव, फिर टेंसाइल, फिर कंप्रेसिव, तो उसकी वजह से क्या बॉडी फेल हो जाएगी, इसे हम बोलते हैं साइक्लिक लोडिंग। तो साइक्लिक लोडिंग की वजह से कोई बॉडी फेल हो जाती है उसे हम बोलते हैं फटीग। जैसे आपने देखा होगा कि वायर को अपन जैसे ही तोड़ते हैं तो एक बार इधर मोड़ते हैं, इधर एक बार
मोड़ते हैं तो वो वायर टूट जाता है, यानी एक बार टेंसाइल फोर्स, एक बार कंप्रेसिव फोर्स। तो आई होप फ्रेंड्स ये चीज़ आपके फटीग समझ में आया होगा। ये फटीग जो फेलियर होता है ये ज़्यादातर मशीन के अंदर होता है, मशीन के वो ऑब्जेक्ट जहाँ पे वो रोटेट करते हैं, जैसे शाफ्ट हुआ तो शाफ्ट में जो फेलियर होता है वो फटीग फेलियर होता है। अगली प्रॉपर्टी है मिलाइबिलिटी, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू विच प्लास्टिसिटी डिफॉर्म्ड इनटू फ्लैट सीट विदाउट फ्रैक्चर। जैसे आपने देखा होगा डक्टिलिटी में क्या होता है, किसी भी मटेरियल का हम वायर बना सकते हैं तो उसको प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम डक्टिलिटी। तो किसी भी मटेरियल के हम सीट बना सकते हैं तो उसे हम बोलते हैं मिलाइबिलिटी। जैसे आयरन, एलुमिनियम, सिल्वर, इनकी हम सीटें बना सकते हैं तो सीट बनाने की प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम मिलाइबिलिटी। फिर बात करते हैं हम स्टिफनेस की, एबिलिटी टू मटेरियल टू रजिस्ट इलास्टिक डिफॉर्मेशन और डिफ्लेक्शन इज कॉल्ड स्टिफनेस। यानी किसी मटेरियल को हम फोर्स लगाएंगे तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, उसको रजिस्ट करेगा, तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं स्टिफनेस। फिर बात करते हैं हम क्रीप के बारे में, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो क्रीप क्या होता है, द परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ ए मटेरियल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एट कॉन्स्टेंट लोड एंड एट ए एलिवेटेड टेम्परेचर, इट इज़ कॉल्ड क्रीप। जैसे मान लो मैं बात करता हूँ जनरली इंडस्ट्रीज की, इंडस्ट्री में मान लो कोई एक फ़ैन लगा हुआ है, मैं जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, फ़ैन लगा हुआ है तो ये फ़ैन क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है और इसका कुछ वेट है, तो ये जो हुक है, ये हुक है, इस पर परमानेंट लोड लग रहा है इस फैन का, और इंडस्ट्री में टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, तो ये जो एक टाइम के बाद में इसमें धीरे धीरे डिफॉर्मेशन आता जाएगा, यानी कि लॉन्ग टाइम में, और धीरे धीरे वो जो डिफॉर्मेशन होगा वो परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा, तो वही क्रीप होता है। यानी कि स्लो डिफॉर्मेशन, परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ ए मटेरियल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एट कॉन्स्टेंट लोड, यानी कि लोड कॉन्स्टेंट है और लॉन्ग टाइम में डिफॉर्मेशन हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं क्रीप बोलते हैं। फिर बात करते हैं हम रेजिलियंस की, इट इज़ द टोटल स्ट्रेन एनर्जी दैट कैन बी स्टोर्ड इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ मटेरियल अप टू इलास्टिक लिमिट। तो कोई भी बॉडी में हम फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाएंगे इलास्टिक लिमिट तक फोर्स लगाएंगे तो उसमें कुछ एनर्जी स्टोर हो जाएगी, तो उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं रेजिलियंस। और यदि हम और फोर्स लगाते जाएंगे तो एक टाइम के बाद में वो मटेरियल क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो जब तक फेल होगा तब तक वो बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर लेगा और उस एनर्जी को हम बोलते हैं टफनेस, एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एनर्जी अंडर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इट रिप्रेजेंट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी, इट रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस अगेंस्ट इम्पैक्ट लोडिंग। फिर बात करते हैं हम स्ट्रेंथ के बारे में, कोई भी बॉडी में हम फोर्स लगाते हैं तो उसको रजिस्ट करती हैं, उसी को हम बोलते हैं स्ट्रेंथ। यानी कि रजिस्टेंस ऑफर्ड बाई ए मटेरियल ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड स्ट्रेंथ, इट इज़ द वॉल्यूमेट्रिक प्रॉपर्टी। वॉल्यूमेट्रिक प्रॉपर्टी कैसे, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं तो उसकी जो पूरी बॉडी है वो पूरी बॉडी रजिस्ट करेगी, तो उसे हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक प्रॉपर्टी। लेकिन अभी आगे हम बात करेंगे हार्डनेस की, तो समझ में आएगा कि वॉल्यूमेट्रिक प्रॉपर्टी कैसे हैं और सरफेस प्रॉपर्टी कैसे होती है। फिर बात करते हैं हम टेंसाइल स्ट्रेंथ की, यदि हम फोर्स लगा रहे हैं टेंसाइल, उसको रजिस्ट कर रहा है तो टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाएगी, और फोर्स मान लो कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो उसको रजिस्ट कर रहा है तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं हार्डनेस के बारे में, इट इज़ रजिस्टेंस ऑफर्ड बाई सरफेस ऑफ द मटेरियल और इंडेंटेशन। यानी कोई मटेरियल है इसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स लगा रहे हैं जैसे कोई ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे मान लो कोई मेटल का ऑब्जेक्ट है, हम चाकू लगा रहे हैं ऊपर, लेकिन चाकू अंदर नहीं जा रहा है, यानी इंडेंटेशन नहीं हो रहा है, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं हार्डनेस। या फिर हम स्क्रैच कर रहे हैं इसके ऊपर लेकिन स्क्रैच नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि बॉडी हार्ड है। तो हार्डनेस जो प्रॉपर्टी है ये सरफेस की प्रॉपर्टी है, मान लो अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है लेकिन जो बाहर की लेयर है ये बहुत ज़्यादा हार्ड है तो भी हार्डनेस ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ सरफेस की, तो हार्डनेस इज़ ए सरफेस प्रॉपर्टी, लेकिन स्ट्रेंथ क्या होती है, वो वॉल्यूमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि उसमें पूरी बॉडी जो है उसमें वो रजिस्ट करती है। फिर बात करते हैं हम आइसोट्रोपिक की, व्हेन द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल एट अ पॉइंट आर सेम इन ऑल डायरेक्शन द मटेरियल इज कॉल्ड आइसोट्रोपिक। यानी जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, एक पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पे, तो इस डायरेक्शन में यानी कि सभी डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टी है वो सेम होगी तो उसे हम बोलेंगे आइसोट्रोपिक मटेरियल। फिर बात करते हैं हम एन आइसोट्रोपिक मटेरियल, यानी कि अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टी हो उसे हम बोलते हैं एन आइसोट्रोपिक।
When the properties of material at a point are depends on the direction, the material is called anisotropic material. जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल देता हूँ प्लाईवुड का. प्लाईवुड आपने देखी होगी, ऐसे लाइनें होती हैं उसके अंदर. तो इधर जाएंगे तो सेम प्रॉपर्टी होगी, लेकिन उसके परपेंडिकुलर जाएंगे तो डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी. तो उसे हम बोलते हैं एनआइसोट्रॉपिक मटेरियल. फिर बात करते हैं हम होमोजीनियस मटेरियल के बारे में. व्हेन प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल इज सेम एट ऑल पॉइंट द मटेरियल इज कॉल्ड होमोजीनियस. यानी कि सभी पॉइंट पे यदि प्रॉपर्टी सेम है तो उसे हम होमोजीनियस मटेरियल बोलेंगे. फिर बात करते हैं हम एंड्योरेंस लिमिट के बारे में. फ्रेंड्स, अभी मैंने बताया था फटीग. फटीग में क्या होता है, साइक्लिक लोडिंग होती है. साइक्लिक लोडिंग की वजह से डिफॉर्मेशन होता है. तो यदि मान लो हम साइकिल बहुत ज़्यादा साइकिल कर रहे हैं लेकिन डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे एंड्योरेंस लिमिट. यानी कि जब तक वो फेल नहीं होता तब तक कितने साइकिल वो कंप्लीट कर लेता है तो उसे हम लिमिट को बोलेंगे एंड्योरेंस लिमिट. एंड्योरेंस लिमिट इज दैट लेवल ऑफ स्ट्रेस बिलो विच देयर आर लार्ज प्रोबेबिलिटी दैट मटेरियल विल नॉट फेल आफ्टर इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल. मान लो कोई एक शाफ्ट है तो वो 1 लाख या फिर 10 लाख रिवोल्यूशन करेगी तब तक वो फेल नहीं होगी. तो 10 लाख रिवोल्यूशन क्या होगा, उसकी लास्ट लिमिट हो गई और उसी लिमिट को हम क्या बोलते हैं, एंड्योरेंस लिमिट. और एंड्योरेंस यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि हम साइक्लिक लोडिंग की बात कर रहे हैं. तो साइक्लिक लोडिंग का जब बात आएगा तब एंड्योरेंस लिमिट आएगी. ठीक है, ये तो हुई प्रॉपर्टी. अब हम बात करेंगे टेंशन टेस्ट ऑफ माइल्ड स्टील. यहाँ पे सिंपल मैं आपको 2-4 पॉइंट बताऊंगा, वो ध्यान से सुनना है. देखिए, ये माइल्ड स्टील का डायग्राम है. स्ट्रेस स्ट्रेन का रिलेशनशिप है कि कैसे हम स्ट्रेस लगाएंगे यानी फोर्स लगाएंगे तो स्ट्रेन उसमें आएगा. तो माइल्ड स्टील एक डक्टाइल मटेरियल है, उसमें डिफॉर्मेशन आता है. फ्रेंड्स, यदि ब्रिटल मटेरियल होता है तो मैंने आपको बताया था कि वो इलास्टिक लिमिट के बाद में डायरेक्ट फेल हो जाता है. तो ये जो कर्व आपको सबसे पहले वाला कर्व है ये ब्रिटल मटेरियल का है. यानी कि हम इलास्टिक लिमिट तक तो ये फेल नहीं होगा और जैसे ही हम ओवर लोड लगाएंगे ये डायरेक्ट फेल हो जाएगा. इसमें डिफॉर्मेशन नहीं आएगा, डायरेक्ट फ्रैक्चर आएगा. लेकिन माइल्ड स्टील जो होता है ये डक्टाइल मटेरियल होता है, इसमें डिफॉर्मेशन आता है. तो यहाँ पे हम जैसे जैसे फोर्स लगाएंगे इसमें ऐसे डिफॉर्मेशन आएगा. ये ग्राफ यूटीएम मशीन में बनता है, यूटीएम मशीन. ठीक है, तो ओ से ए तक की जो लिमिट होती है उसे हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट. ठीक है, और जो ओ से लेके ए है ये लीनियर कर्व है. और हुक्स लॉ जो होता है वो ओ से ए तक ही वैलिड होता है. पॉइंट बी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट. तो इलास्टिक लिमिट में मैंने क्या बताया था, इलास्टिसिटी क्या होती है कि मटेरियल पे हम जब लोड को रिमूव कर लेंगे तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगा. तो ओ से बी तक हम लोड को हटा लेंगे तो बॉडी क्या हो जाएगी, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी. लेकिन उसके बाद में सी डेस पॉइंट है और सी पॉइंट है. सी डेस को बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट और सी को बोलते हैं लोअर यील्ड पॉइंट. लोअर यील्ड पॉइंट जो होता है वही एक्चुअल यील्ड पॉइंट होता है. फिर बात करते हैं हम सी से लेके डी पॉइंट की. ठीक है, तो सी से लेके डी पॉइंट क्या होता है, यील्ड प्लेट्यू. इट अकर्स ड्यू टू सम स्मॉल कंटेंट ऑफ कार्बन इन द मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ स्टील. इन दिस रीजन स्ट्रेन इंक्रीजेज विदाउट चेंज इन स्ट्रेस, देयर आफ्टर इट इज़ कॉल्ड प्लास्टिक रीजन. यानी कि यहाँ हम सी से लेके डी से तक क्या देख रहे हैं, स्ट्रेस जो है ये कॉन्स्टेंट है लेकिन स्ट्रेन बढ़ रहा है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्लास्टिक रीजन. फिर बात करते हैं हम डी से लेके ई पॉइंट तक की. ठीक है, इसको बोलते हैं हम स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन. इट अकर्स ड्यू टू रेंडमनेस इन मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ स्टील. ठीक है, और ई को बोलते हैं हम अल्टीमेट पॉइंट. और जो ए पे स्ट्रेस होता है उसे हम बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस. ये मैक्सिमम स्ट्रेस होता है, उसके बाद में स्ट्रेस को हम कम भी कर देंगे तो भी स्ट्रेन बढ़ता जाएगा. और एफ पॉइंट पे जो माइल्ड स्टील है ये फेल हो जाएगा. ई से एफ का जो रीजन है उसे हम बोलते हैं नेकिंग रीजन. नेकिंग रीजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एरिया कम होता जाता है. जैसे मान लो ये पहले स्पेसिमेन था, इस पे हम टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं तो ये जो बाद में फेल हो जाएगा, यानी इसका जो जहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगेगा वो ऐसे उसका एरिया कम हो जाएगा, लंबा हो जाएगा तो एरिया कम हो जाएगा, तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, नेकिंग रीजन. तो फ्रेंड्स, ये था टेंसाइल टेस्ट ऑफ माइल्ड स्टील. आई होप फ्रेंड्स ये चीज़ आपके क्लियर हुई होगी और सारी प्रॉपर्टी आपके क्लियर हुई होगी. तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें.
और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो मटेरियल साइंस की प्रॉपर्टी के बारे में होगा, तो वो सारी प्रॉपर्टी जो अभी मैंने बताई है उन्हीं प्रॉपर्टी का क्वेश्चन होगा। तो आप क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि ये प्रॉपर्टी कैसे आपको काम आएगी और कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। तो अगला वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूँगा तो यहाँ आई बटन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।